नमस्कार दोस्तों, अमित मार्को चैनल में आपका स्वागत है। जी हाँ, जैसा कि आप सब इंट्रो देखकर समझ ही गए होंगे कि आज की खबर झारखंड राज्य के गुमला जिले से है। तो दोस्तों, आज से 23 साल पहले 15 नवंबर सन 2000 ईस्वी में झारखंड राज्य का गठन होता है। इससे पहले यह बिहार राज्य का हिस्सा था और झारखंड राज्य के 23 साल के इतिहास में पहली बार एक ऐतिहासिक क्षण आया है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दूं कि हर साल 21 अप्रैल के दिन, जिस दिन की सिविल सेवा दिवस मनाया जाता है, उस दिन प्राइम मिनिस्टर एक्सेलेंस अवार्ड फॉर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन दिए जाते हैं, जो कि प्रधानमंत्री के हाथों सिविल सेवा अधिकारियों को दिया जाता है, जो कि अपने जिलों में, अपने क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करते हैं। तो इस बार झारखंड राज्य के गुमला जिले का नाम चयनित होकर आया है प्राइम मिनिस्टर अवार्ड फॉर एक्सेलेंस इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। तो जी हाँ, जैसा कि गुमला जिले के उपायुक्त श्री सुशांत गौरव ने अपने ट्विटर हैंडल पर इसकी जानकारी दी और उन्होंने बताया कि गुमला जिले का नाम चयनित हुआ है इस अवार्ड के लिए और उन्होंने इस सफलता का श्रेय समस्त जिलावासियों को दिया है। उन्होंने कहा है कि ऐसा टीम वर्क और जन सहभागिता के चलते संभव हो पाया है। तो आपको बता दूं कि ये अवार्ड जो है, इसके तहत एक स्कीम आती है, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम। जी हाँ, आकांक्षी जिला कार्यक्रम। आकांक्षी जिला कार्यक्रम के तहत 112 जिलों को नामांकित किया गया था नीति आयोग के द्वारा। 112 जिलों को नीति आयोग ने लिस्ट में लिया था एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम के लिए। उसमें से कि अव्वल स्थान हरिद्वार का रहा, जो कि हमारा एक पवित्र शहर है, हिंदुओं की पवित्र तीर्थ स्थली है, वो एक नंबर पर रही, जिसके लिए उसे अलग से 3 करोड़ रुपए का आवंटन भी किया गया है। पर ऐतिहासिक पल तो ये है, जैसा कि श्री सुशांत गौरव ने बताया, उपायुक्त महोदय गुमला ने बताया कि यह एक ऐतिहासिक पल है और यह श्रेय सिर्फ अकेले किसी एक व्यक्ति का नहीं, समस्त जिलावासियों का है और पूरे जिलावासी इसके हकदार हैं। तो यह अवार्ड उन्हें प्राइम मिनिस्टर अवार्ड फॉर एक्सेलेंस इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के तहत एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम के होलिस्टिक डेवलपमेंट फॉर सैचुरेशन मोड के लिए दिया गया। तो दोस्तों, मैं आगे बताऊंगा कि एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम क्या है और होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ सैचुरेशन मोड क्या है, इसकी हम लोग आगे चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, जहां तक उपायुक्त सुशांत गौरव की बात है, तो उन्होंने अपने पिछले 1 साल के कार्यकाल में गुमला में बहुत सारे महत्वपूर्ण कार्य किए हैं, जिसके लिए कि गुमला की तस्वीर बदलती हुई दिख रही है। उन कार्यों में से कुछ प्रमुख कार्य हैं, जैसे उनका मिशन रागी। उन्होंने मूलभूत 2 समस्याओं को पकड़ा, जिले की मूल 2 समस्याओं को उन्होंने सबसे पहले तरजीह दी। पहली थी एग्रीकल्चर से रिलेटेड। उन्होंने देखा कि यहाँ बहुत सारी जमीन खाली पड़ती पड़ी जा रही है, उसमें एक ही फसल उगाई जा रही है। ऐसा किसान इसलिए कर रहे हैं कि खेतों की उर्वरा शक्ति कायम रहे, उनकी फर्टिलिटी कायम रहे। तो इसके लिए श्री गौरव ने रागी के उन्नत बीजों का इंतजाम किया और किसानों के बीच में रागी के उन्नत बीज मुहैया करवाए, जिसके तहत वहां मोनोक्रॉपिंग बंद हुआ और धान कटने के बाद रागी की फसल लगाई जाने लगी। और रागी से वहां उन्होंने महिला स्वयं सहायता समूह लोग की बहुउद्देशीय योजनाओं वाले कार्यक्रमों के तहत बहुत कुछ बनवाया, जैसे पैकेटेड बिस्किट, आटे के पैकेट, ये सब जोहार रागी ब्रांड के तहत बनाए गए। तो उन्होंने 2 समस्याओं को अपने चैलेंज के रूप में लिया। जैसा कि उन्होंने कहा है कि उनके सामने 2 प्रमुख चुनौतियां थी। पहला, द प्रॉब्लम ऑफ फैलो लैंड, जमीन का परती चला जाना, मोनोक्रॉपिंग, एक फसल होना किसानों के लिए। और दूसरा थी जिले में एनीमिया, टीबी और मेल न्यूट्रिशन, ये 3 स्वास्थ्य समस्याएं वहां विकट रूप धारण कर चुकी थी। तो इसके तहत उन्होंने एनीमिया का उन्मूलन के दिशा में उन्होंने ठोस कदम उठाए, टीबी मुक्त जिले की ओर जिले के विकास को अग्रसर किया, बहुत सारी सुविधाएं मुहैया करवाई, पोषक भोजन मरीजों को उपलब्ध करवाए, उन्हें जो मासिक 500 रुपये महीना मिलता है उसकी उन्होंने समुचित व्यवस्था करवाई, और कुपोषण को लेकर भी उन्होंने बहुत सारे प्रयास किए। इसके अलावा उनके प्रयासों में है कि बांस के शिल्पकार जो थे, उनका संरक्षण और संवर्धन किया गया।
वहाँ मत्स्य पालन को बढ़ावा दिया गया। इसके साथ ही वहाँ महिलाओं के स्वयं सहायता समूहों को बढ़ावा दिया गया। तो सबसे इम्पॉर्टेंट में उनका रागी मिशन है, उसके बाद उनका स्वस्थ भारत की तरफ जो होता है जिले को एनीमिया मुक्त करना, जिले को टीबी मुक्त करना, यह उनकी बहुत बड़ी उपलब्धि है। और जैसा कि अभी इस 21 अप्रैल को गुमला उपायुक्त नई दिल्ली के विज्ञान भवन सभागार में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के हाथों यह प्रधानमंत्री पुरस्कार, जो कि लोक प्रशासन में उत्कृष्टता के लिए सिविल सेवकों को दिया जाता है, वो ग्रहण करेंगे और जिले का मान बढ़ाएंगे। और ऐसा होने से कहीं ना कहीं एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा होती है एक जिले और दूसरे जिलों के बीच में। ऐसा करने से जो जिला अच्छा करता है वो एक रोल मॉडल के रूप में अपने आप को डेवलप करता है। यहाँ तक कि उन्होंने शिक्षा के विकास में भी अच्छा काम किया है और उनकी कुछ मूलभूत सफलताएं हैं जो कि उन्होंने धरातल पर कार्यान्वित की है। उसमें है पुस्तकालयों की पुस्तकालय का इंतजाम करवाना, खेल बैंक खुलवाना, पंचायत लेवल पर खेल को बढ़ावा देना और पंचायत भवनों का डिजिटलाइजेशन करवाना। तो इस तरह से उन्होंने एक समग्र विकास किया जिले का, जैसा कि अभी मैंने थोड़ी देर पहले एक शब्द यूज किया था, होलिस्टिक डेवलपमेंट। तो जी हाँ दोस्तों, इसी को होलिस्टिक डेवलपमेंट कहते हैं, जिसका हिंदी में बहुत ही सरल अर्थ है समग्र विकास, यानी हर क्षेत्र में हम आगे रहें ऐसा विकास हम कर सकें। और जहां तक ये एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम की बात है, तो ये नीति आयोग द्वारा 2018 में शुरू की गई एक योजना है, जिसके तहत केंद्र सरकार राज्य सरकार के विभिन्न संस्थानों और विभिन्न जिलों को अपने अपने क्षेत्रों में, खास करके उनके 4-5 मानक हैं, उन सभी क्षेत्रों में समुचित विकास करने के लिए ये पुरस्कार दिया जाता है, जिसमें स्वच्छ जल है, स्वस्थ भारत है, स्वस्थ होना चाहिए, शिक्षा की समुचित व्यवस्था होनी चाहिए, स्वच्छ जल होना चाहिए, कृषि के लिए पर्याप्त सुविधाएं मुहैया कराई जानी चाहिए और खेल को बढ़ावा देना चाहिए। तो इस तरह कहीं ना कहीं एक समग्र विकास के मॉडल को गुमला जिले ने प्रस्तुत किया है और जैसा कि उपायुक्त का कहना है, वे पूरा श्रेय खुद अपने ऊपर नहीं लेकर इसमें समस्त जिलावासियों के प्रति वो अपना आभार प्रकट करते हैं। यह एक उनकी अच्छी सोच है, ऐसा करने से जनता भी प्रेरित होगी कि हम अधिकारियों के साथ मिलकर कुछ अच्छा करें, क्योंकि बेहतर समन्वय जब होता है अधिकारी कार्यकारिणी और जनता के बीच में, जब एक बेहतर समन्वय होता है तभी कोई योजना धरातल पर आ सकती है। तो ऐसा लगता है कि और झारखंड के और भी जिले इस मॉडल को अपनाएंगे और इस विकास की ओर अग्रसर होंगे। तो मैं समझता हूं कि ये जानकारी आपको शायद अच्छी लगी हो, मैंने पूरी कोशिश की इसे सरल शब्दों में समझाने की। उम्मीद करता हूं कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अंत तक आपने यह वीडियो देखा तो इसे कृपया सब्सक्राइब जरूर करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। अगली वीडियो में मैं फिर हाजिर होऊंगा, फिर कोई इसी तरह की एक नई और अच्छी जानकारी के साथ। नमस्कार।